All information provided in this DVD are as per the information gathered from the authorities of respective Tirth during our extensive research. It has been our endeavor to provide true and correct information embedded in the best quality visual experience. If there is any conflict in information provided by us, please write us on info@maginfilms.com so as to rectify it in the next release of additional copies. We tried our best in bringing you an informative and truly devotional DVD. The product and its content in no way attempt to offend or hurt an individual, community, society, or social trust or its feelings. Stop piracy, buy genuine, and support spirituality by blessing and motivating us to produce more such quality informative products. Trikaal Darshi. धर्म यानी समाज की विशिष्ट जीवन पद्धति और धर्म गुरु यानी सब सुखों को त्याग कर धर्म नियमों का संतुलन बनाए रखने में समर्पित तपस्वी, ऐसी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इन महापुरुषों का लक्ष्य चमत्कार दिखाना नहीं होता, क्योंकि उसमें धर्मानुशासन का गांभीर्य नहीं होगा, उससे होगा केवल मनोरंजन। परंतु सदियों से लोक कल्याण में लगे तपोनिष्ठ महापुरुषों के जीवन में अपने आप ही कुछ अद्भुत घटता चला गया, जिसे सामान्य जन चमत्कार कहते हैं। ऐसे महान आत्माओं के लिए प्रकृति भी अपने नियमों को मरोड़कर रास्ता बना देती है। ऐसे ही एक महात्मा सिद्ध पुरुष की यह कथा है। लगभग 200 साल पहले की, तब रेलगाड़ियां नहीं थी, लोग पैदल या बैलगाड़ियों में यात्रा करते, एक जगह से दूसरी जगह समूहों में जाते। यह जत्था चला था केसरिया नाथ जी के दर्शन करने। यात्रा शुरू होकर दो ही दिन हुए थे कि समूह में सौभाग्य मल जी की पुत्री रमा देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी चिंता में पड़ गए, मां तो रोने लगी। ऐसे में समूह का एक बालक सामने आया। उसने सौभाग्य मल जी को पास ही के एक सोते से एक लोटा पानी लाने को कहा। सब आश्चर्य से देखने लगे, ये बालक भला क्या कर पाएगा। लेकिन बेटी को ठीक करने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इसी आशा में सौभाग्य मल पानी लेकर आए। बालक पानी से जमीन पर एक चौकोन बनाकर उसके बीच में बैठ गया और कुछ ही पलों में ध्यान मग्न हो गया। इस तेजस्वी बालक का नाम था रत्नराज।
तब उसकी उम्र थी केवल 14 साल। अपने बड़े भाई माणिक जी के साथ यात्रा कर रहा था। भरतपुर के प्रतिष्ठित हीरों के व्यापारी ऋषभदास पारखी के पुत्र। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? सोचना बहुत हो गया, जल्दी से बात बताइए। अपनी बेटी के लिए ऐसा वर फिर कभी नहीं मिलेगा हमें। कल ही जाके पूछ लेता हूँ माणिक जी से। ठीक है। रत्नराज ने इस बात को बड़ी विनम्रता से टाल दिया। बेचारे सौभाग्यमल जी कहां जानते थे कि यह कोई घर गृहस्थी में रममाण होने वाला साधारण मनुष्य नहीं है। इसका तो जन्म ही हुआ था एक महान कार्य संपन्न करने के लिए। सृष्टि ऐसे महामानव के आगमन के दिव्य संकेत भी देती है। इसकी हकीकत कुछ ऐसी है। ऋषभदास जी की पत्नी को एक रात सपना आया जिसमें एक दिव्य पुरुष आकर उन्हें एक मोदक प्रदान कर रहा है। सवेरा होते ही ऋषभदास जी और केशरबाई उपाश्रय में मुनि महाराज के पास पहुँचे। आपको आया हुआ स्वप्न तो बड़ा शुभ है। आपके आए हुए स्वप्न के अनुसार आपके घर जल्द ही एक दिव्य रत्न पुत्र का जन्म होने वाला है। ऋषभदास जी अपने पूर्वजों की तरह बड़े धर्मात्मा और देव गुरु के प्रति समर्पित सत्पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी केशरबाई भी उन्हीं की तरह धार्मिक और कर्तव्य परायणा थी। रत्नराज उनके इसी तपस्या का फल था। जो उम्र एक बच्चे को खेलने की कूदने की उम्र होती है, उस उम्र के अंदर गुरुदेव के अंदर इतनी महान गंभीरता थी और गंभीरता के साथ साथ सहपाठियों के साथ में खेलना, खेलने के साथ साथ गॉड गिफ्ट के रूप में उनको माँ भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त हुई। मात्र 11 वर्ष की उम्र में माता पिता की सेवा भक्ति के साथ साथ बच्चों के साथ साथ खेलना कूदना तो उनका था ही, किंतु उसके साथ में इतनी गंभीरता कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो पिता के द्वारा कारोबार स्थापित किया गया था उसको भी और आगे की ओर बढ़ाने के लिए पिता के समक्ष अपने भाई को ले जा करके अपनी भावना व्यक्त करते हैं और एक वे बहुत ही दिव्य आत्मा के रूप में, भव्य आत्मा के रूप में, अलौकिक पुरुष के रूप में उनका इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण हुआ और वे एकांत में रह करके व्यवसाय व्यापार का तो चिंतन करते, परिवार का चिंतन करते, किंतु इसके साथ साथ में भी आध्यात्मिक चिंतन के धरातल पर भी जाने का प्रयास करते थे। उनके पग पग को करीब से देखने वाले उनके भाई माणिक जी को जैसे पता चल चुका था कि वे एक असाधारण मानव है। मुनियों की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। यह सचमुच एक हीरा था। लेकिन जहां वे एक तरफ इस बात से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ वे चिंतित भी हुए। केसरिया जी का आशीर्वाद लेकर रत्नराज ने व्यापार में अपना पहला कदम रखा। पिता ऋषभदास जी इस बात से चकित थे कि व्यापार में नया होकर भी रत्नराज ने कितनी आसानी से उनका कारोबार संभाल लिया।
अपने बड़े भाई के बराबरी में वे व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। 4 साल में व्यापार आसपास के प्रदेशों में ऐसा फूला जैसा कभी हुआ ही नहीं था उनके घरानों में। और एक दिन पिता की अनुमति से दोनों भाई व्यापार की सीमाएं बढ़ाने निकल पड़े। अनेक प्रदेशों को पादाकान करते हुए वे आगे बढ़ते गए। इधर कलकत्ता, उधर मद्रास और सिलोन तक जाकर उन्होंने अपने पिता का नाम और कारोबार फैलाया। मां बाप की सेवा में लीन रत्नराज इस बात से संतुष्ट थे कि वे एक बेटे की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। व्यापार का विस्तार और परिवार में बढ़ती समृद्धि से खुश थे। 18 साल की उम्र, अचानक घटी एक दुखद घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे सारी संपन्नता राख हो गई हो। बीमार माता केशरबाई और उसके 2 ही दिनों बाद पिता ऋषभदास जी भी चल बसे। ओम अहम नमः। आहो दुखो दु संसारो जत कसंति जंतुन। ये संसार बड़ा दुखमय है। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख। शरीर सदैव कष्ट ही पाता रहता है। समझता है कि ये धन, ये परिवार, ये सब मेरा और मैं इनका हूं, किंतु ये अज्ञान है, भ्रांति है। ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। रात और दिन जो चले जाते हैं वो लौट कर फिर नहीं आते। इसीलिए आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हमें अग्रसर हो जाना चाहिए, तभी हमें सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त हो और तभी हम सुखमय जीवन बिता सकते। माता पिता का वियोग एक ही दुखद घटना ने सांसारिक सुखों का खोखलापन उजागर कर दिया था, या यूं कहिए यह घटना सिर्फ एक कारण बनी। यह बाल योगी पहले से ही तैयार था। बचपन से गंभीर और एकांत प्रिय रत्नराज भौतिकता से जागकर वितरागता में खोते चले गया। उम्र 20 वर्ष, एक बेटे की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी और अब बुलावा आ गया था। रत्नराज यहां इन भौतिक सुखों के बीच ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। उदयपुर में वैशाख शुक्ल पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 1904 को रत्नराज ने जैन धर्म की दीक्षा ली। मुनिराज श्री हेम विजय जी के हाथों क्रिया संपन्न हुई। रत्नराज विधिपूर्वक साधक बने। नामकरण हुआ मुनि श्री रत्न विजय जी। रत्न विजय जी उज्जैन में 3 वर्ष रहकर साधा चंदी यति के पास में संपूर्ण आगमों के साथ साथ न्याय व्याकरण आदि का गहन अध्ययन करने के बाद वहां से
पूर्णतया प्राप्त करके ज्ञान के अब विशेष योग साधना के अंदर 5 वर्ष कई गांव नगरों के अंदर स्वयं की आत्मा की साधना भी कर रहे थे, क्रियाओं के अंदर भी गुरुदेव जुड़े हुए थे। स्वाध्याय और तप के साथ साथ शासन प्रभावनाओं के साथ और मनुष्यों के उद्धार को करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते करते भी वे अपने स्वयं की आत्मा के हित के लिए भी योग अभ्यास, प्राणायाम, आसन, समाधि, कुंडलिनी जागृति के अंदर वे अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने लगे, जिस ऊर्जा से आने वाले भूत, भविष्य और वर्तमान की समस्त स्थितियों को वे अवगत कर सके और आने वाले को बता भी सके। 5 वर्ष की ये कठिन साधना करके गुरुदेव ने वो हासिल किया जिसकी मात्र कल्पना हम कर सकते हैं। तप और स्वाध्याय के साथ साथ में योग अभ्यास के माध्यम से भी उन्होंने वो सिद्धि हासिल की जो कई सैकड़ों वर्षों के बाद भी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। ऐसी साधना चलती रही लगभग 19 साल तक। इस बीच गुरु की आज्ञा से मुनि रत्न विजय जी ने बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी उठाई। यह साधक अब तक सोने सा तप कर तैयार हो गया था। यह रणकपुर है। सारी रात दुधिया चांदनी में प्रेक्षा ध्यान करने के बाद श्री रत्न विजय जी गहरे चिंतन में खो गए हैं। उन्हें अचानक एहसास हुआ है कि वे पूरी तरह से श्रमणाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने ही मन से एक दिव्य संवाद हो रहा है। मुनि की तो भ्रमर वृत्ति होनी चाहिए और मैं तो सालों से एक ही जगह बैठा हूं। इस बात से उनका मन पीड़ित हो उठा। एक साधु के नाते धर्माचरण के साथ साथ बिगड़े हुए जीवन यतियों को अनुशासित करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मन ही मन इस परिस्थिति को बदलने का और उसके बाद क्रियोद्धार का अभिग्रह लिया गया। इस संकल्प के साथ श्री रत्न विजय जी ने तेला यानी अठम तप किया। तेला पूरा होते ही भगवान का दर्शन लेकर जब वे मंदिर से बाहर आ रहे थे तब उन्हें एक सुंदर बालिका उनकी ओर आते दिखाई दी। करीब आते ही वह बोली, महाराज साहब, तेला सफल हो गया, अब 62 दिनों में पारणा कीजिए। इतना कहकर वह दिव्य बालिका आत्मर्धान हो गई। और ऐसे घोर संकल्प का निमित्त बना था उनके कंधों पर पड़ा तपागच का दायित्व। यहां से कुछ 11 साल पहले विक्रम संवत 1909 में उदयपुर में श्री रत्न विजय जी को बड़ी दीक्षा और पन्यास पद प्राप्त हुआ। इसके बाद भी लगभग 4 साल तक उनका अध्ययन जारी था। साथ ही श्री सागर चंद्र जी, श्री पूज्य देवेंद्र सूरीजी और श्री प्रमोद सूरीजी की छाया में विहार और साधना अखंड रूप से चल रही थी। और एक दिन अचानक बुढ़ापे से जूझ रहे श्री पूज्य देवेंद्र सूरीजी ने उन्हें बुलवाया और उन्हें बृहत तपागच गादी का भार सौंप दिया। इसमें उन पर लगभग 250 साधकों का आदेश और निर्देश देने का भार पड़ा। आज्ञाकारी शिष्य तो और भी थे पर केवल गुरुदेव ही जानते थे कि रत्न विजय जी ये जिम्मेदारी उठाने में सक्षम थे। समय का भाव क्षमता है, प्रतिक्रमण का भाव पापों से दोष मुक्ति, चैत्य वंदना का भाव कर्मक्ष, औषध का भाव धर्म की पुष्टि है। ये मनुष्य जीवन अच्छा कुल गुरु का साथ ये सब पूर्व पुण्य योग से मिलता है। इसलिए सीमित जीवन का समय अमूल्य है। अच्छे कर्मों द्वारा जो इसे सफल बना लेता है वो सच्चे भाग्यशाली आत्मा है।
जो समय व्यर्थ गवाता है उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं। प्रत्येक मनुष्य नियमित साधना से अपने अंदर की शक्ति जागृत कर सकता है। अगर वो ऐसा कर ले तो भगवान भी उसकी पूजा करता है। यतियों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्होंने समाज का भी प्रबोधन किया। समय के साथ अपभ्रंशित धार्मिक विधि, साधक और श्रावक के लिए नियम, इन विषयों को लेकर लोग जागरण किया ताकि लोग खुद ही समझ जाएं कि सच्चा सदगुरु कैसे पहचाने। योग साधना के बाद गुरुदेव इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे और उस काल में उस समय के अंदर जनमानस के बीच में लोगों के बीच में इस प्रकार का एक डर बैठ गया था कि यति यानी के तंत्र मंत्र करने वाले लोग भयभीत होने लगे थे, डरने लगे थे। और ऐसे समय के अंदर योग साधना करके गुरुदेव रत्न विजय जी महाराजा आगे बढ़े और उन्होंने लोगों के अंदर रही उस गलत धारणा को, मिथ्या धारणा को हकीकत में मिथ्या साबित किया, लोगों के भय को दूर किया, गलत मानसिकता अंधश्रद्धा दिमाग में लोगों के बैठ गई थी उसे दूर किया। उन्होंने जनमानस को एक संदेश दिया, कर्म प्रकृति जो भी करती है जीव के साथ में वही होता है, चाहे कितना भी कोई बुरा करने का करे। और इस महान आत्मा ने इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया कि लोगों के हृदय के अंदर राम व भय दूर हो जाए, मिथ्या धारणाएं वास्तव में गलत सिद्ध हो। श्री पूज्य देवेंद्र सूरी जी को 11 साल पहले दिए वचन का पालन करने में श्री रत्न विजय जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरु आज्ञा पालन का यह व्रत बखूबी निभाया जा रहा था। उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गई। विक्रम संवत 1924 वैशाख शुक्ल पंचमी का पुण्य दिन गुरुदेव श्री प्रमोद सूरी जी ने श्री रत्न विजय जी को आचार्य श्री पूज्य पद प्रदान करने का शुभ मुहूर्त निश्चित किया। आहोर में रत्न विजय जी श्री पूज्य विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी बने। केवल पद ही नहीं, साधना भी परिपक्व होती गई। यह अत्युच्च पद पाकर भी उनकी व्यक्तिगत साधना कभी रुकी नहीं, बल्कि साधना बढ़ती गई। इतिहासकारों का यह दावा है कि श्री पूज्य प्राप्त करने के कुछ 3 साल बाद एक बार वे विंध्याचल के मांगी तुंगी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। छह महीनों तक कड़ी ठंड में एक वस्त्रधारी रहकर तपस्या करते रहे। यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। गुरुदेव मध्य प्रदेश की पावन पुण्य धरा कोक्षी नगर के अंदर 45 आगम के गहन अर्थ चिंतन को लिए हुए कई जिज्ञासु आत्माओं के प्रश्न उत्तरों को समाधानों को करते हुए गुरुदेव 45 आगम पर प्रवचन देते हुए चातुर्मास कर रहे थे। और चातुर्मास की पूर्णाहुति होने पर गुरुदेव वहां से मांगी तुंगी जो महाराष्ट्र की ओर है और जो कुक्षी नगर के समीप से ही रास्ता जाता है, नर्मदा नदी के समीप से होकर के गुरुदेव मांगी तुंगी पर्वत पर जाकर के ओम अरहम नमः जैन परिभाषिक शब्द के अंदर अरिहंत परमात्मा की आराधना जिसे कहते हैं, ऐसे अरिहंत पद की आराधना के लिए उग्रतम कठिन भव्य तपश्चर्या एक पैर पर खड़े होकर के 6 महीने तक लगातार गुरुदेव करते हैं। 8 दिन तक उपवास तप करना और मात्र सिर्फ पानी ग्रहण करना, वो पानी भी 11 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के बाद पानी भी बंद हो जाता है और वो भी गर्म पानी उबाल करके ठंडा किया हुआ।
ऐसी कठिनतम तपस्या 18 दिन तक आहार नहीं लेना और खाली मात्र पानी के ऊपर निर्जल वन के अंदर गुफाओं में गुरुदेव ने साधना की। जब तक गुरुदेव रहे तब तक उन्होंने तपस्या अखंड रूप से निराभात रूप से उनकी तपश्चर्या चलती रही। एक बार विहार करते हुए गुरुदेव मालवा के कुक्षी नामक गांव पहुंचे। उनके साथ थे श्री प्रमोद रुचि जी और श्री धन विजय जी। ऐसी ही कड़ाके की ठंड थी। उस वक्त के साधुओं, यतियों और श्री पूज्यों के अनेक धर्म विरोध वर्तनों से लोगों में काफी अश्रद्धा फैली हुई थी और उस समय श्रावक गण भी विद्वान हुआ करते थे। वे साधु का केवल वेश देखकर उन्हें नमन करने वालों में से नहीं थे। ऐसे वातावरण में जब गुरुदेव ने गांव में रहने को जगह मांगी तो उन्हें जगह नहीं मिली। गुरुदेव और दोनों मुनियों ने गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लिया। वे वहीं 8 दिन तक रहे। उन्हें गांव से गोचरी तक प्राप्त नहीं हुई। तीनों बिना किसी तकरार के शांत चित उस पेड़ के तले ध्यान करते रहे। इस बीच गांव के विद्वान श्रावक रायचंद जी कई बार धर्म ग्रंथों की चर्चा करने आए, अनेक प्रश्न पूछे। आखिर जब उनका समाधान हुआ तब जाकर उन्होंने गुरुदेव से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक गांव के अंदर उपाश्रय ले गए। आगे चलकर रायचंद जी ने श्रीमद से गुरु मंत्र लिया और उनके अंतरंग शिष्य बने। इतनी कड़ी तपस्या और योगिक सामर्थ्य के बावजूद उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। भक्तों के या विरोधकों के किसी भी प्रश्न से वे कभी गुस्सा नहीं होते। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीजी का यह किस्सा मशहूर है। श्री पूज्य पद प्राप्त करने के कुछ ही महीनों की बात है, जावरा के नवाब गोस्त मोहम्मद प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने सवाल पूछा, अगर हम आचार विचार से शुद्ध हो अथवा जैन धर्म स्वीकार करें तो आप हमारे हाथ से खाना खाएंगे? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। अगर वो आचार विचार और व्यवहार से पवित्र हो तो उसके हाथों से अन्न लेने में कोई दोष नहीं। नवाब प्रसन्न हुए। तब पास बैठे दीवान हजरत नूर ने प्रश्न पूछा, व्याख्यान में तो श्रिया भी आती है, क्या उनकी सुंदरता देखकर आपके मन में चंचलता नहीं आती? श्री पूज्य मुस्कुराए और बोले, आती भी रमणियों में मात्र भाव भगनी भाव की दृष्टि रखते हैं, स्थान का। नवाब और दीवान दोनों ही उनका उत्तर सुनकर नतमस्तक हुए। आषाढ़ वदी दशम शनिवार संवत 1925 का दिन श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने 5 वर्ष पूर्व रणकपुर में लिए क्रियोद्धार का अभिग्रह पूरा किया। यह अभूतपूर्व समारोह संपन्न हुआ जावरा के ऋषभदेव जिनालय में आयोजित अष्टानिका महोत्सव के साथ। जावरा और मालवा से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आखिर वो घड़ी आ गई, न यत्र दुखम न सुखम न चिंता, न द्वेष रागो न च काचिदिच्छा, रसः सवान्तः कथितो मुनिद्रः, सर्वेषु भावेषु शमः प्रधानः। उन्होंने श्री पूज्य पद की शान माने जाने वाले अनेक परिग्रह चिन्ह श्री संघ के सुपुर्द कर दिए। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीजी ने यह सब त्याग कर साध्वाचार का एक उज्जवल उदाहरण समाज के सामने रखा। इसके बाद का जीवन उन्होंने शुद्ध साध्वाचार
और तपाराधन में बिताया। उन्होंने जैनों के शास्त्रों का साथ साथ दूसरे धर्म ग्रंथों का भी अभ्यास करके 60 विद्वत्तापूर्ण ग्रंथों की स्वतंत्र रचना की। एक ही जीवन में इतने प्रचुर मात्रा में साहित्य निर्माण करना, ये तो श्रीमद् जैसे परम योगी का ही काम था। सामान्य लोगों को पूजा और साधना करने के लिए श्रद्धा स्थानों की जरूरत होती है, यह जानकर उन्होंने कितने ही नए तीर्थ भी स्थापन किए। गुरुदेव के जीवन के कई उल्लेख मिलते हैं और उसी में एक उल्लेख मिलता है प्राचीन जिनाले का उद्धार का। वह प्राचीन जिनाले का उद्धार गुरुदेव के वरद हस्तों से कैसे हुआ, इसका मूलतः इतिहास इस प्रकार से पढ़ने को सुनने को मिला है कि कनकाचल, प्राचीन नाम कनकाचल, कोरंट जालोर किले के ऊपर 14वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर बहुत ही बड़ा तीर्थ का रूप लेकर के जनमानस की आस्था का केंद्र था। और उसी समय इस भारत की भूमि पर मुगल लोगों का शासक आया और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर जाकर के उस मंदिर को तोड़ मरोड़ कर उसे काफी क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। फिर 17वीं शताब्दी के अंदर इसका जीर्णोद्धार हुआ और जयमल मुणोहत नाम के एक मंत्री ने इस कार्य को पूर्ण किया, अपने लक्ष्मी के उपयोग करके सदुपयोग करके उद्धार किया। और 17वीं शताब्दी के बाद इस पृथ्वी के ऊपर अंग्रेजों का राज्य आया भारत की भूमि पर। अंग्रेज शासकों ने आकर के फूट डालो राज करने की नीति अपनाई और उसी के अनुरूप अंग्रेज लोगों ने मंदिर के अंदर हथियार सहस्त्र रखवा दिए और चार मंदिर के द्वार बंद करके पट्ट को बंद करके चारों ओर कांटे रख दिए और कांटे रखने के बाद उस मंदिर को पूर्णतया बंद कर दिया, निषेध कर दिया भक्तों को दर्शन करने के लिए। ये अंग्रेज शासकों ने किस प्रकार से किया और भक्तों की भावनाओं को जानकर जब गुरुदेव ने गुन्नी संवत 1932 में गुरुदेव इस जालोर पहाड़ पर आए, आकर के यहाँ के पूर्ण स्थिति को समझा, देखा, देख करके उस समय के राजा, उस समय के शासक, उस समय के जोधपुर नरेश जसवंत सिंह जी को गुरुदेव ने बताया, उन तक संदेश भिजवाया और उनके गुरुदेव के कहने से जसवंत सिंह जी जोधपुर नरेश ने तुरंत कार्यवाही की और कार्यवाही करके गुरुदेव ने उस मंदिर के हथियार सहस्त्र आदि सब बाहर निकलाए, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, प्रतिमाओं के जिन अंजन शिला का करके गुरुदेव ने माघ शुक्ला एकम के दिन स्वयं ने अपने ही कर कमलों से पुनः उस मंदिर के अंदर परमात्मा की प्रतिमा स्थापना करके प्रतिष्ठा की। श्रीमद् विजय राजेंद्र सूरीजी महाराज एक असाधारण योगी थे, लेकिन उनके सीधे और सरल व्यवहार से सामान्य यतिगण उनके सामर्थ्य का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उनके श्री पूज्य पद प्राप्त करने के 13 साल बाद की यह रोचक घटना है। श्रीमद् चातुर्मास के लिए भीनमाल गए थे। यहां कुछ कपटी यतियों ने षड्यंत्र रचा। रात के सन्नाटे में मंत्र तंत्र किए हुए पुतले उपाश्रय में श्रीमद् के कमरे बाहर गाड़ दिए। यह काम करने जिस यति को वेश बदलकर भेजा था उसे रास्ते में कुत्तों ने घेर लिया। लोगों ने भी चोर समझकर उसे पीटा। डरकर उस यति ने सब बता दिया। लोग आश्चर्यचकित हुए जब गुरुदेव ने उसे मुस्कुराकर माफ कर दिया।
लेकिन उससे भी ज्यादा चकित हुए जब गुरुदेव ने अपने एक 15 वर्षीय शिष्य से कहा कि उपाश्रय के आंगन में किसी ने अनिष्ट प्रयोग किया है, उसे नष्ट करके फेंक दो। ये है मुनि श्री मोहन विजय जी, श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीजी के प्रिय शिष्य। गुरुदेव के कहने पर बेझिझक वे आगे बढ़े, केवल इसीलिए नहीं कि गुरुदेव की उन पर कृपा थी, बल्कि गुरुदेव के योग सामर्थ्य पर उन्हें पूरा भरोसा था। इस अटूट विश्वास का कारण भी वैसा ही था। यहां से 4 साल पहले सामुजा के ब्राह्मण वर्दीचंद सहपत्नी अपने 10-11 साल के अपंग और गूंगे पुत्र को लेकर आहोर में ठहरे गुरुदेव के पास आए थे। उनका परिवार धर्मशाला में प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक तरफ अंदर अपनी जगह बैठे श्रीमत को अंतर्ज्ञान से ही उस बालक की उपस्थिति का पता चला। उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो गया कि वह जो कोई भी बालक है उसकी अध्यात्म में तीव्र गति है। बालक और उसके माँ बाप को उन्होंने तुरंत अंदर बुलवा लिया। गुरुदेव ने प्रेम से उसे देखा, मानो कोई पुराना संबंधी हो। उसे वासक्षेप दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। उनके केवल स्पर्श से बालक के व्यंग दूर हो गए, शरीर की जकड़न गायब हुई। उसके बाद वह बालक हमेशा के लिए उनके पास ही रह गया। उसे जैन धर्म की दीक्षा दी गई और नामकरण हुआ श्री मोहन विजय जी। गुरुदेव ने जैन श्रद्धालु श्रावकों को तो दीक्षित किया ही है, किंतु क्षत्रिय जो भगवान सिंह जी क्षत्रिय थे, गुड़ा बालोतरा के और रवारी जात के, ऐसे जैनेतर होने के बाद भी जैन धर्म के प्रति अभिभूत होकर और गुरुदेव के त्याग तप साधना को देखकर रत्न विजय जी राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और ऐसे गुरु जो स्वयं सामर्थ्यवान थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को भी ऐसा योग्य बनाया जो साधना के अंदर वे भी आगे जाकर के बहुत ही अपने नाम को दीप्यमान किया अपने गुरु परंपराओं को। और शिष्यों के अलावा उनके हाथों से दीक्षित हुई श्राविका साध्वी सतिया, जो मूलतः राजगढ़ मध्य प्रदेश मोहनखेड़ा तीर्थ के समीप में आया हुआ गांव, उस राजगढ़ नगर के साध्वी जी विद्याश्री जी महाराज साहब, उनको भी गुरुदेव ने इतना योग्य बनाया था कि वे भी जब ध्यान में बैठती थी तो एक एक दो दो फुट ऊपर अपने आप स्थिर हो जाती थी। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद, ऐसी गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर बरसी। अष्टांग योग तो गुरुदेव ने दीक्षा के समय ही आत्मसात कर लिया था। अब जीवन के उत्तरार्ध में उसके ऊपर सखोल चिंतन होने लगा। इसमें बताया गया ध्यान और धारणा का अभ्यास और भी गहरा होता गया, साथ ही बिंदु साधना भी परिपक्व हो गई थी। बिंदु साधना यानी आज्ञा चक्र की साधना, जिससे एक योगी को अंतर्ज्ञान सशक्त होता जाता है। मानव शरीर के अंदर कुल 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्र चक्र, इस प्रकार से ये 7 चक्र हैं। और ये दोनों भवों के बीच में जहाँ पर हम तिलक करते हैं मस्तक के,
बिल्कुल नाक के ऊपर सीधा, वहां पर यह आज्ञा चक्र होता है और वायुमंडल के अंदर आने वाली हर आध्यात्मिक शक्ति का यह मेन सेंटर, मेन द्वार है। मन की शक्ति, मन की आज्ञा इसे तीसरा नेत्र भी हम कह सकते हैं योग साधना के अंदर। और इसकी अलौकिक कल्पना इस आज्ञा चक्र के द्वारा समझ में आ जाती है। कई बार गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है और उस संवाद के अंदर ये आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु आज्ञा चक्र के माध्यम से कई समस्याओं का निदान कर देते हैं और होने वाली घटनाओं को भी इसी आज्ञा चक्र के द्वारा ही बता दिया जाता है, भूत और भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। तो यह सब इस आज्ञा चक्र के माध्यम से ही उन्होंने कई घटनाएं ऐसी उन्होंने बताई हैं जिसका एक उनके जीवन चरित्र के इतिहास में उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसे त्रिकालदर्शी महापुरुष कितनी ही नैसर्गिक आपत्तियों के संकेत पहले से ही दे देते हैं। सन 1894 की बात है, मालवा के कुक्षीनगर में आग लगी, 1500 घर जलकर खाक हो गए। कुक्षी में ही शांतिनाथ जिनालय के पास 30,000 से भी अधिक हस्तलिखित जैन ग्रंथ रखे थे, सब अग्नि में स्वाहा हो गए। उस वक्त गुरुदेव राजगढ़ में प्रतिक्रमण कर रहे थे। उन्होंने बीच में ही अपना विषय रोककर कहा, अभी कुक्षी में भयंकर आग लग गई है। गुरुदेव ने एक वरिष्ठ श्रावक को बुलाकर अपने पास बिठाया। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखते ही चमत्कार हुआ। उस श्रावक को भी कुक्षी में लगी हुई आग दिखाई देने लगी। जब उसने सभी को यह बताया तो वे दंग रह गए। वह श्रावक तो धन्य हो गया। जहां चारों तरफ धार्मिक पतन दिखाई दे रहा हो, वहां स्वाभाविक ही धर्माचार्यों पर श्रद्धा डगमगा जाती है। परंतु कुछ भाग्यशाली लोग सच्चे साधु पहचान कर उनमें अटूट श्रद्धा बनाए रखते हैं। धार जिले के कड़ौद गांव में ऐसे ही एक निष्ठावान श्रावक सेठ ने भव्य जिनालय बनवाया और गुरुदेव के हाथों प्रतिष्ठा करवा रहे थे। इतने में खबर आई कि घर में बड़ी चोरी हो गई है, परंतु गुरुदेव के कहने पर उन्होंने पहले प्रतिष्ठा की विधि पूरी की। पूजा खत्म होते ही समाचार मिला कि चोर पकड़ा गया, माल भी मिल गया। गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र के बराबर था। गुरुदेव वचन सिद्ध थे और गुरुदेव ने अपनी योग साधना के माध्यम से देख लिया कि किसका भविष्य में क्या होने वाला है। एक राजगढ़ का श्रावक आकर के गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आंसू बहाने लगा, रोने लगा कि गुरुदेव मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट के अंदर हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। और गुरुदेव के उस समय उस गरीब श्रावक के शब्द सुनने के बाद गुरुदेव के वचन निकल गए कि तेरा भाग्य का उदय जो है वो सरदारपुर, जो राजगढ़ से समीप 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ गांव है, उस ओर तू जाएगा तो तेरा भाग्य उदय होगा। और गुरु के वचनों पर, गुरु की साधना पर भक्त को इतना विश्वास था कि गुरु के शब्दों को सुनने के बाद उनकी आज्ञा को धारण करके वह उसी दिशा की ओर चल पड़ा, उस गांव की ओर जो गुरुदेव ने संकेत दिया था। और बहुत ही अल्प और बहुत ही कम समय के अंदर वह व्यक्ति बहुत संपन्न, धनाढ्य और बहुत अमीर वर्ग की गिनती में उसका नाम आ गया।
तो ऐसे गुरुदेव के वचनों से प्रभावित होकर के वचनों को सुनकर कई आत्माओं का इस प्रकार से यह लौकिक और परलौकिक सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हुए। तो ऐसे गुरुदेव साधना के बल पर ही सब कुछ बता सकते थे और जैन ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की है कि जिस घर के अंदर गुरुदेव की तस्वीर लगी होती है उस घर के अंदर वृद्धि समृद्धि स्वयं अपने आप चली आती है। उनकी तपस्या कोई साधारण नहीं थी। अपने जीवन काल में राजस्थान के स्वर्णगिरी पर्वत, चामुंडवन और सियाणा जैसी भयंकर जगहों पर जाकर एकांत में उन्होंने घोर तप किया। उसी तरह मध्य प्रदेश में बावन गजा ये जगह भी उनके पावन स्पर्श से प्रसिद्ध हुई। गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र श्रीश्वरजी महाराजा के प्रति लोग भक्त वर्ग जनमानस ऐसे आकर्षित होते गए जैसे एक चुंबक और एक लोहे का संबंध होता है। गुजरात के एक नगर धरात जहाँ 2000 लोगों का परिवार रहता है, 2000 घर जहाँ पर हैं, वे गुरुदेव के दर्शन गुरुदेव की त्याग तप क्रियाओं को देखकर ऐसे अभिभूत हुए कि पूरा ही गांव नगर उनके प्रवचन को एक प्रवचन को मात्र सुनने से पूरा गांव उनका समर्पित भक्त बन गया। पूरे गांव के लोग उनके प्रति अपार आस्था वाले बन गए। तो यह ताकत साधारण व्यक्ति की नहीं है, यह उनकी वाणी का ऐसा ओजस्वी प्रभाव था कि उस प्रभाव से उनके सानिध्य में हर व्यक्ति चला आता था और जो भी आता वह अवश्य कुछ न कुछ पा करके जाता। ऐसी कड़ी साधना के परिणाम स्वरूप योगी को जो सिद्धि प्राप्त होती है उससे वह वर्तमान और अतीत के साथ साथ भविष्य में झांक सकता है। इसे त्रिकाल दृष्टि कहते हैं। वे केवल एक प्रहर नींद लेते थे और फिर बाकी रात भर ध्यान में लीन हो जाते थे। श्रीमद विजय राजेंद्र श्रीश्वर जी गुरुदेव के रास्ते में भी ऐसे महान साधक योगी के रास्ते में भी कई कांटे कम नहीं थे, किंतु वे हमेशा उसी प्रकार मुस्कुराते रहे जैसे एक गुलाब कांटों के बीच में रह करके भी सुगंध देता है। गुरुदेव कभी विचलित नहीं हुए। गुरुदेव अपने स्वर्गवास के 5 वर्ष पहले पालितना तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर गुरुदेव को चातुर्मास करना था, किंतु वहाँ पर यतियों का बहुत बड़ा जमावड़ा और ईर्ष्याग्रस्त गुरुदेव के तप को देखकर साधना को देखकर उनके प्रभाव को देखकर उनके भक्त जान मानस को देखकर ईर्ष्या इतनी हो गई कि गुरुदेव को वहाँ पर रुकने के लिए किसी उपाश्रम में स्थान तक नहीं दिया। गुरुदेव फिर भी विचलित नहीं हुए, मन में दुख भी नहीं हुआ। अंश मात्र किसी के प्रति द्वेषता की भावनाओं को भी गुरुदेव ने अपने मन में स्थान तक नहीं दिया गुरुदेव ने। और गुरुदेव वहाँ से सीधे चले गए एक शिवालय के अंदर जा करके। गुरुदेव वहाँ पर चातुर्मास करते हैं, वहाँ पर अपने त्याग तप साधना करते हैं और साधना के दौरान एक क्षण के लिए एक मिनट के लिए एक विचार गुरुदेव के मन मस्तिष्क के अंदर आया कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा विचार करके योग साधना के बल पर स्वयं अंबिका देवी प्रकट होती हैं और गुरुदेव अंबिका देवी से कहते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो श्रीमंदर स्वामी जी के पास जाकर अंबिका माता ने प्रश्न किया था। उस समय साक्षात तीर्थंकर के रूप में श्रीमंदर स्वामी महाविद्या क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। अंबिका देवी प्रश्न रखती है, श्रीमंदर स्वामी उत्तर देते हैं और उत्तर लेकर के वापस गुरुदेव के चरणों में देवी प्रकट होकर के कहती है कि गुरुदेव आप जो भी कर रहे हैं आप निश्चिंत हो जाइए, आप सत्य मार्ग के अनुरागी हैं, सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं, आपसे अंश मात्र भी छोटी सी भी गलती नहीं हो रही है। आप जो भी कर रहे हो जिन आज्ञा के अनुरूप आपके कदम अपने आप स्वतः बढ़ते जा रहे हैं। और गुरुदेव उसको सुनकर फिर अपने साधना को और प्रबल बनाते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते रहे। विक्रम संवत 1963 का चातुर्मास श्री पूज्य विजय राजेंद्र सुरीजी ने वड़नगर मालवा में किया। मांडवगढ़, धार, रतलाम हर तरफ से बुलावे आ रहे थे। वे मांडवगढ़ की तरफ चल दिए। वे तब 80 साल के थे। बुढ़ापा और गिरता हुआ स्वास्थ्य, शिष्यगण और श्री संघ
चिंता में डूब गए, किंतु गुरुदेव आत्मस्थ थे, शांत थे। उन्होंने तो 3 साल पहले ही संकेत दिया था कि जाने का समय निकट है। चलते चलते उनके पैर में कांटा लगा। पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। वे वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका शरीर भी थक चुका था, उन्हें राजगढ़ में ही रुकना पड़ा। अंतिम समय निकट आ चुका था। गुरुदेव ने अपने शिष्यों में से मुनि यतीन्द्र विजय जी को रात के एकांत में बुलाकर उन्हें अपना कार्यभार सौंप दिया, शक्तिपात किया। यतीन्द्र विजय जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि यह केवल कार्यभार ही नहीं था, बल्कि एक युग पुरुष द्वारा प्रस्थापित एक नई उन्नत परंपरा संभालने का, उसे आगे बढ़ाने का उन पर दायित्व था। लोक कल्याण में लगे तपोनिष्ठ महापुरुषों के जीवन में अपने आप ही कुछ अद्भुत घटता चला गया। जिसे सामान्य जन चमत्कार कहते हैं, सृष्टि के अणु परमाणु उनके सोच के अनुरूप स्पंदित होने लगते हैं। ऐसे महान आत्माओं के लिए प्रकृति भी अपने नियमों को मरोड़कर रास्ता बना देती है। इस महान योगी के समाधि का क्षण आ गया था। 21 दिसंबर 1906 पौष शुक्ल छठ की रात श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीजी महाराज समाधि योग द्वारा शरीर त्याग कर उस असीम परमात्मा तत्व में विलीन हो गए। सुनिश्चित समय पर उन्होंने अपने देह को इस सृष्टि को अर्पण कर दिया। शरीर शांत हुआ पर उनकी वाणी गूंजती रह गई, जैसे आकाश से विशाल कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जीवों की दया आत्मा की दया है, जीवों के कल्याण से ही आत्म कल्याण साध्य होगा।